हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। देखिए, कल हमने एक वीडियो बनाई थी बाइनोमियल थ्योरम पर, जिसमें बताया था टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स या नंबर ऑफ टर्म किस तरह से हम फाइंड करते हैं। आज सेकेंड वीडियो है बाइनोमियल थ्योरम पर ही। आज क्वेश्चंस कराएंगे कि 3 कंसेक्यूटिव कोफिशिएंट अगर हमें दे रखे हैं किसी रेशो में, तो n और r की वैल्यू निकालना। क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो एकेडमिक क्लास 11th क्लास में है, 11th क्लास का टॉपिक है बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम, तो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वैसे सीरीज जो हमने चला रखी है, ये TGT PGT एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन उनके साथ साथ जहाँ भी बाइनोमियल थ्योरम पूछा जाता है जिन एग्ज़ाम में भी, उन सभी के लिए ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और किस तरह की वीडियो आप लोग चाहते हैं, उस तरह के वीडियो के लिए, उस सिलेबस के लिए से रिलेटेड वीडियो के लिए आप कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन इसमें किस तरह का आता है कि जैसे हमें दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ आर माइनस वन एथ, आर एथ एंड आर प्लस वन एथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स की होल पावर एन। तो देखो, ये हमने बताया था कि वन प्लस एक्स की होल पावर एन की जनरल टर्म क्या होती है, टी आर प्लस वन एन सी आर एक्स की पावर आर, ये जनरल टर्म होती है इसकी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि वो कह रहा है टी आर माइनस वन एथ, टी आर एथ और टी आर प्लस वन एथ टर्म दे रखी हैं। अब इसको ध्यान से देखना, यहाँ आर प्लस वन है तो यहाँ कितना है आर, यानी इससे एक कम कोफिशेंट में, तो इसका कोफिशेंट क्या बनेगा, एन सी आर माइनस वन से एक कम आर माइनस टू, आर से एक कम एन सी आर माइनस वन और आर प्लस वन से एक कम एन सी आर, ये बनेगा। इनका रेशियो क्या दे रखा है हमें, 1:7 और 42 का रेशियो दे रखा है। पिछली वीडियो में एक फॉर्मूला और बताया था कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इक्वल टू किसके होता है, एन माइनस ये नीचे वाला अपॉन ये आर, ये फॉर्मूला होता है। तो जब ये ब्रैकेट खोलेंगे तो एन माइनस आर प्लस वन हो जाएगा अपॉन आर। इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हमें ये सॉल्व करना है। तो देखिए, एन सी आर माइनस टू कितना दे रखा है, 1, तो ये हम 2 बना लें, एक स्थिर तरह का फॉर्मूला बनाने के लिए, ये अपॉन ये एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन इक्वल टू हो जाएगा 42 अपॉन 7, और ये अपॉन ये करेंगे तो एन सी आर माइनस वन एन सी आर माइनस टू इक्वल टू 7/1। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तो सबसे बड़ी वो है कि एन और आर की वैल्यू हमें किस में दे रखी होंगी, ऑप्शन में दे रखी होंगी। एन और आर की वैल्यू यहाँ लगा के जो ऑप्शन इन्हें सेटिस्फाई कर दे वही हमारा आंसर होगा। लेकिन अगर हम इसे करना चाहें जैसे एकेडमिक क्लासेस में, तो ऑप्शन नहीं दे रखे थे, पूरा सॉल्व करना होता है, फिर हमें इसी पैटर्न पे चलना होगा। तो इसमें लगा लीजिए ये वाला फॉर्मूला, क्या मिलेगा, एन माइनस
आर प्लस वन अपॉन आर इक्वल टू, ये कट जाएगा सिक्स टाइम तो सिक्स अपॉन वन, और ये क्या मिलेगा एन माइनस ये नीचे वाला आर माइनस टू करेंगे, माइनस पहले है तो प्लस हो जाएगा अपॉन ये वाला यानी आर माइनस वन इक्वल टू सेवन अपॉन वन। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई एन माइनस आर प्लस वन इक्वल टू सिक्स आर, आर को इधर लेके आए एन माइनस सेवन आर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन तो ये मिली। इसे सॉल्व करेंगे एन माइनस आर प्लस टू इक्वल टू सेवन आर माइनस सेवन, तो एन माइनस एट आर और प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशन मिल गई फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इन्हें सॉल्व करना है हमें, ठीक है। इसे मिटाता हूँ यहाँ से मैं फर्स्ट क्वेश्चन। अब इनको सॉल्व करना है एन माइनस सेवन आर प्लस वन इक्वल टू जीरो, एन माइनस एट आर प्लस नाइन इक्वल टू जीरो, माइनस कर लें तो माइनस ये प्लस हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल, ये कितना मिलेगा आर प्लस का एट आर माइनस का सेवन आर, और ये कितना मिलेगा माइनस का एट इक्वल टू जीरो, तो आर इज इक्वल टू क्या मिला हमें एट। आर की वैल्यू किसी भी उसमें रख लें, पहले वाले में रख लेते हैं एन माइनस सेवन आर सेवन इंटू एट प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो एन माइनस फिफ्टी सिक्स प्लस तो फिफ्टी फाइव मिलेगा हमें, तो एन इज इक्वल टू फिफ्टी फाइव ये मिले, तो आर की वैल्यू एट और एन की वैल्यू फिफ्टी फाइव, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं आप, कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो यहीं तक की फॉर्म बनाएं और जिस ऑप्शन से एन और आर की वैल्यू इसे सेटिस्फाई कर दें, जैसे एन इक्वल टू फिफ्टी फाइव आर इक्वल टू एट निकल के आया, तो ये किसी ऑप्शन में दे रखा होगा, तो वो वैल्यू यहाँ रख के देख लें जिससे सेवन अपॉन वन आ जाए सॉल्व करके, वही हमारा सही है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे तुम्हें नेक्स्ट टू क्वेश्चंस हैं ये सॉल्व करने हैं, आंसर दे रखा है। सेकंड वाले में आर की वैल्यू थ्री एन की वैल्यू सेवन, और थर्ड वाले में सिर्फ एन पूछ रहा है तो उसकी वैल्यू इलेवन आएगी। फोर्थ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूं आपको, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एक्सपेंशन किसका लेना है, एक्स प्लस वाई का होल पावर एन, क्या होता है टी आर प्लस वन इजिकल्स टू एन सी आर एक्स की पावर एन माइनस आर वाई की पावर आर, ये होता है। तो इसमें कॉफिशेंट ना कह के पूरी टर्म कह रहा है, टर्म इन द एक्सपेंशन आर सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म कह रहा है, सेकंड टर्म इतनी है थर्ड इतनी और फोर्थ इतनी, तो सेकंड टर्म का मतलब आर इक्वल टू वन प्लस वन, तो एन सी आर आर कितना लिया है हमने वन, वन एक्स की पावर एन माइनस वन वाई की पावर वन, थर्ड टर्म आर इक्वल टू टू लेंगे तो टू प्लस वन एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू, और फोर्थ टर्म थ्री प्लस वन लेंगे तो एन सी थ्री एक्स की पावर एन माइनस थ्री वाई की पावर थ्री, ये वाली टर्म दे रखी है कितनी 240, ये दे रखी है 720 और ये दे रखी है 1080, ये गिवन है हमें। देखिए फो ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये अपॉन ये यानी एन एन सी थ्री
x की पावर n माइनस थ्री वाई क्यूब अपॉन एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई टू इक्वल टू 1080 अपॉन 720। इसी तरह से ये अपॉन ये कर लें तो एन सी टू एक्स की पावर n माइनस टू वाई की पावर टू अपॉन एन सी वन एक्स की पावर n माइनस वन वाई की पावर वन 720 अपॉन 240। जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ भी जीरो से जीरो कैंसिल, 24 से ये थ्री टाइम कैंसिल हो जाएगा 72। और यहाँ 36 से टू टाइम और ये थ्री टाइम, तो 3/2 वो आई इस ये पावर कैंसिल और इससे ये पावर माइनस वन टाइम कैंसिल, ऐसी इससे ये कैंसिल और इससे ये पावर माइनस वन टाइम कैंसिल, तो ये मिला हमें एन सी थ्री अपॉन एन सी टू एक्स की पावर माइनस वन, नीचे ले आएंगे तो एक्स और ये वाई, तो वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 3/2। ऐसे ही यहाँ एन सी टू एन सी वन इंटू वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 3। तो वाई अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से हमको मिल जाएगी 3 इंटू एन सी वन अपॉन एन सी टू, ये मिल गई। ये वाई अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो एन सी थ्री अपॉन एन सी टू इंटू 3 टाइम्स एन सी वन अपॉन एन सी टू इक्वल टू 3/2। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, वही पिछले वाला फॉर्मूला यूज करें। अगर हम लास्ट फॉर्मूला, तो n माइनस टू अपॉन 3, यानी इसका सॉल्यूशन तो ये हो गया, इसका ये एन सी टू उल्टा बन रहा है तो क्या हो जाएगा, एन माइनस वन अपॉन टू, तो टू अपॉन एन माइनस वन, जो पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला यूज किया, और इक्वल टू किसके, वन अपॉन टू। तो एन माइनस टू अपॉन एन माइनस वन इक्वल टू 3/4, तो 4n-8 इक्वल टू 3n-3, तो ये आ जाएगा n इक्वल टू 5। ये सॉल्यूशन निकल के आया हमारा n इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू तो 5 मिल गई। एक्स वाई की वैल्यू और पूछ रहा था, तो इस वाले में y अपॉन x इक्वल टू क्या था हमारा, 3 इंटू एन की वैल्यू कितनी आई, 5, 5c1 अपॉन 5c2, 5c1 क्या होगा 5 और 5c2 क्या होगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से ये कैंसिल 2 टाइम्स, तो ये आ गया 3/2, यानी y अपॉन x इक्वल टू 3/2। इसी तरह से वैसे भी देखें तो 3:2 के रेशो में या 2:3 के रेशो में आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5। चाहे तो इसे और सॉल्व कर लें, इससे एक्स वाई में रिलेशन निकाल लें और तब इसे इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू यही आएंगी एक्स और वाई की। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो ये दो क्वेश्चन आपको करने हैं, जिसमें द कोफिशेंट ऑफ थ्री कंजिक्यूटिव टर्म्स इन द एक्सपेंशन 1+x^n आर 1:3:5, फाइंड n एंड r। तो r की वैल्यू 3 आएगी, n की वैल्यू 7, आंसर भी दे रखा है मैंने। इसी तरह से इसमें सक्सेसिव कोफिशेंट दे रखे हैं, तो वही मान लेना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मान लें, या r-1, r-1 और r+1 मान लें, उसे सॉल्व करोगे, n पूछ रहा है सिर्फ, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 11। यानी सेकंड मान लेना, थर्ड मान लेना, इसे फोर्थ मान लेना, सक्सेसिव कह रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये सॉल्व करने हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।